राशि अनुसार कौन सी देवी का पूजन करें? आपकी राशि की देवी कौन सी है यह जानकर ही करें आराधना, तभी पूजा का फल मिलेगा। इस वीडियो में आपको आपकी राशि की देवी कौन सी है यह हम बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। शारदीय नवरात्रि 2024 में आपकी राशि के लिए किस देवी की आराधना शुभ है? मेष राशि। इस राशि के जातक भगवती, तारा, नील, सरस्वती या माता शैलपुत्री की साधना करें। वृषभ राशि वाले। इस राशि के जातक भगवती षोडशी श्री विद्या की साधना करें, हे माता ब्रह्मचारिणी की। मिथुन राशि वाले। इन्हें माता भुवनेश्वरी की या माता चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि वाले। कर्क राशि के जातकों को माता कमला अथवा माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि। इन्हें माता पीताम्बरा या माता कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। कन्या राशि। इन्हें माता भुवनेश्वरी या माता चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। तुला राशि। इन्हें श्री विद्या में माता षोडशी या माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि। इन्हें भगवती तारा या माता शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए। धनु राशि। इन्हें माता कमला या माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। मकर राशि। इन्हें माता काली या माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। कुंभ राशि। इन्हें माता काली या माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। मीन राशि। इन्हें माता कमला या माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। तो मित्रों, अगर आपने अपनी राशि के अनुसार अपनी देवियों की उपासना कर ली तो आपको 100% पूर्ण फल अवश्य मिलेगा, इसलिए अपनी राशि अनुसार अपनी माता का उपासना अवश्य करें। इन नवरात्रियों में अगर आपने 9 दिन तक इन माताओं का उपासना कर ली आपके राशि के अनुसार, तो आप मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो है रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको अभी तक यह जानकारी पता नहीं थी और आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे।